आज की स्टूडियो में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो में हम पटना पायरेट सीतालकोट टाइटंस जो मैच हुआ उसके हाईलाइट जानने वाले। पटना ने टॉस जीता और कोर्ट चुना। पहले रेड आती है तालकोट टाइटंस की जो कि रोहित कुमार लगाते हैं और अपने पहले ही रेड में बोनस लेकर चले जाते हैं। अगली रेड पटना पायरेट की तरफ से मोनू गोयत लगाते हैं और जो कि अपने पहले ही रेड में वे भी बोनस ले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इस मैच में सिद्धार्थ देसाई नहीं खेल रहे थे इंजरी की वजह से, तो राकेश गुड्डा अपनी पहली रेड लगाते तो पहली रेड में पॉइंट ले जाती, वो भी एक टच पॉइंट। तो सचिन तंवर आते हुए अगली रेड पर अपनी पहली रेड में वे भी पॉइंट ले लेते हैं। जो पटना पायरेट के कैप्टन हैं प्रशांत कुमार राय, वे अपनी पहली रेड लगाते तो पहली रेड सुपर रेड लगा देते हैं। 15.5 मिनट बाकी रहती है जब ये सुपर रेड लगती है। 15 मिनट बाकी रहने पर पहले आपका तो स्कोर होता पटना पायरेट 5-4 तालकोट टाइटंस। बिल्कुल टक्कर का मुकाबला चला हुआ था शुरू में, तो मोनू गोयत फॉर्म में आ जाते हैं, मोनू गोयत पॉइंट लेने लग जाते हैं तो प्रशांत कुमार राय भी पॉइंट लेने लग जाते पटना की तरफ से, जिसकी वजह से ऑल आउट हो जाती है तेलुगु टाइटंस। 10 मिनट बाकी रहती है जब यह ऑल आउट लगता है तो स्कोर हो जाता है पटना 12-7 तेलुगु टाइटंस। पटना पायरेट्स का डिफेंस बिल्कुल फॉर्म में चला हुआ था, लगातार कैच पे कैच मार रहा था, तो पटना के रेडर जो सचिन है वो भी फॉर्म में आ गए थे, जिसकी वजह से 5 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता पटना 16-8 तेलुगु टाइटंस। पटना पायरेट्स ने एक बड़ी लीड ले चुकी थी। मोहम्मद जिया जो रियानियन पटना पायरेट के खिलाड़ी हैं वे भी बिल्कुल फॉर्म में चले हुए थे, लगातार कैच मार रहे थे, लेकिन आखिरी में टाइटंस कमबैक करने लग जाती है तो हाफ टाइम का स्कोर होता है पटना 18-13 तेलुगु टाइटंस। सेकेंड हाफ की शुरुआत में तेलुगु टाइटंस दोबारा से कमबैक करने लग जाती है। ऋतुराज कुरावी जो तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर है बिल्कुल अच्छी कैच लगाने लग जाते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं और सुपर टैकल लगा लेती इस बीच पटना पायरेट। 17 मिनट बाकी रहती है दूसरे हाफ की, इस सुपर टैकल के बाद स्कोर होता है तेलुगु टाइटंस 14-20 पटना पायरेट। अब भी 6 पॉइंट की लीड थी पटना के पास। सचिन शांत हो जाते हैं, सचिन तंवर पॉइंट नहीं ले पाते हैं सेकेंड हाफ में। 15 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता तेलुगु टाइटंस 15-20 पटना पायरेट, लेकिन उसके बाद दोबारा से तेलुगु टाइटंस कमबैक करने लग जाती है और ऑल आउट हो जाती है पटना पायरेट। 12.5 मिनट बाकी रहती ये ऑल आउट में अंकित बैनवाल का बहुत बड़ा हाथ होता है। तेलुगु टाइटंस का स्कोर होता 20-21 पटना पायरेट इस ऑल आउट के बाद। अंकित बैनवाल बिल्कुल फॉर्म में आ जाते, लगातार पॉइंट लेता है अंकित बैनवाल। 10 मिनट बाकी रहती है तो स्कोर होता है तेलुगु टाइटंस 20-23 पटना पायरेट। तो एक टाइम आउट आता है उसके बाद, तो उस टाइम आउट के बाद सुपर रेड लगा देते हैं अंकित बैनवाल। 8 मिनट बाकी रहती है दूसरे हाफ की और एक सुपर रेड आती है अंकित बैनवाल की तरफ से, जिसकी वजह से स्कोर होता है तेलुगु टाइटंस 24-24 पटना पायरेट। पहली बार तेलुगु टाइटंस ने मुश्किल से ये लीड को कवर किया था। इस बीच मोनू एक बोनस ले जाते हैं मोनू गोयत और अंकित बैनवाल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तेलुगु टाइटंस की तरफ से लगातार पॉइंट ले रहे थे। 5 मिनट बाकी रहती तो स्कोर होता तेलुगु टाइटंस 25-26 पटना पायरेट। तो इस बीच सुपर टैकल कर लेती पटना पायरेट और लीड बढ़ा लेती, जिसकी इस सुपर टैकल की वजह से तेलुगु टाइटंस 25-28 पटना पायरेट। पटना के कोच को इस बीच येलो कार्ड मिल जाता और उन्हें 2 मिनट का सस्पेंशन मिल जाता है। अंकित बैनवाल दोबारा से लगातार पॉइंट लेते हैं, जिसकी वजह से वो सुपर टेन पूरा कर लेते हैं अंकित बैनवाल, लेकिन अपनी टीम को जीत तक नहीं पहुंचाते। उन्होंने तो मैच टाई करवा दिया था लेकिन 2 सेकंड बचती थी और पटना पायरेट की एक और रेड आ गई जिसमें सचिन तंवर पॉइंट ले जाते हैं, जिसमें संदीप कुंडोला ने आसानी से पॉइंट दे दिया था। तो इसके बाद स्कोर होता है तेलुगु टाइटंस 30-31 पटना पायरेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब ट्विन कबड्डी for latest Kabaddi updates.